लोकसभा चुनाव में इस बार नोटा को भी लोगों ने खूब पसंद किया है। कई ऐसी सीटें रही जहां बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली, तो वहीं बसपा ज्यादातर सीटों पर तीसरे नंबर पर दिखाई दी, जबकि लोगों ने नोटा का बटन भी खूब दबाया। कई ऐसी सीटें हैं जहां नोटा यानी कोई भी नहीं या नन ऑफ द अबव को निर्दलीय प्रत्याशियों से ज्यादा वोट मिले और नोटा चौथे स्थान पर रहा। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर भी लोगों ने जमकर नोटा बटन को चुना है। सबसे पहले जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें कि ईवीएम मशीन पर नोटा का बटन तब दबाया जाता है जब मतदाता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं होता है, यानी वो किसी को अपना वोट नहीं देना चाहता। इस बार यूपी की कई सीटों पर बीजेपी, इंडिया और बसपा उम्मीदवारों के बाद नोटा को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर भी नोटा दबाने वाले लोगों की कमी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट पर नोटा चौथे नंबर पर रहा। वाराणसी में पीएम मोदी समेत कुल 7 उम्मीदवार मैदान में थे। पीएम मोदी को 6,12,970 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया गठबंधन के अजय राय को 6,60,457 वोट मिले और तीसरे नंबर पर बसपा के अतहर जमाल लारी को 3,37,067 वोट रहे, जबकि चौथे नंबर पर नोटा रहा। यहां 8,478 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर लोगों ने किसी भी प्रत्याशी को ना चुनते हुए सीधा नन ऑफ द अबव यानी कि नोटा का ऑप्शन दबाया। प्रधानमंत्री के बाद इसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीट भी है। राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट पर भी लोगों ने नोटा पर जमकर बटन दबाया। यहां नोटा को 7,350 वोट मिले। गौतम बुद्ध नगर सीट पर भी नोटा चौथे नंबर पर रहा। यहां 10,324 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। मेरठ सीट पर भी 4,776 लोगों ने नोटा का बटन दबाया और नोटा ने 5 निर्दलीय उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। तो वहीं बरेली सीट पर 10 निर्दलीय प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए नोटा चौथे नंबर पर रहा। यहां 6,260 लोगों ने नोटा दबाया। पीलीभीत सीट पर नोटा ने 7 उम्मीदवारों को धूल चटाई। यहां 6,741 वोट नोटा पर पड़े। वहीं शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव की बदायूं सीट पर भी नोटा पर 8,562 वोट मिले। इन सब में एक और चौंकाने वाली तस्वीर ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र यानी कि गोरखपुर में 10 उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए 7,881 लोगों ने नोटा पर बटन दबाया। मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ और गाजीपुर जैसी सीटों पर भी नोटा मतदाताओं की चौथी पसंद बनकर उभरा। इन सीटों पर लोगों ने खूब नोटा दबाया। इन सबके अलावा भी यूपी की कई ऐसी सीटें रही जहां नोटा ने निर्दलीय उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए चौथा या पांचवा स्थान हासिल किया। यूपी के अलावा झारखंड में भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। झारखंड में जब नतीजों का विश्लेषण होने लगा तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। यहां लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे 70% प्रत्याशी नोटा से हार गए हैं। वहीं 88.11% उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में नाकाम रहे। राज्य में 1.72 करोड़ से भी ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें से 1.92 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार को वोट देने की बजाय नोटा का बटन दबाना पसंद किया। इस प्रकार कुल मतदान का करीब 1.12% हिस्सा नोटा के पक्ष में गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नोटा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोडरमा लोकसभा सीट के मतदाताओं ने किया। यहां 42,152 मतदाताओं ने नोटा के जरिए सभी प्रत्याशियों के प्रति अपनी नापसंदगी का इजहार किया। ऐसे मतदाताओं का आंकड़ा 3.8% रहा। यहां जीत दर्ज करने वाले भाजपा की अन्नपूर्ण देवी और दूसरे स्थान पर CPI ML के विनोद कुमार सिंह को छोड़ 13 प्रत्याशी नोटा से हार गए।